हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा कंप्यूटर्स और आवाज़ सुन रहे हैं हर्षाय चोपड़ा की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान वेटरी काउंसलिंग यानी RPVT काउंसलिंग की। इसमें मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग प्रोसेस, फीस और वैकेंट सीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेड्यूल, कब इसका रजिस्ट्रेशन है और किस प्रकार से काउंसलिंग का शेड्यूल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पर। तो इसकी है राजवास वेबसाइट, RAJ। ये देखो आ गया यहाँ, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये साइट खुल गई। अब इसमें हम एडमिशन पर क्लिक करेंगे। तो एडमिशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पूरा प्रोग्राम दे दिया है, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। इसमें देखो पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है, RPVT 2018 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद में सीट मैट्रिक्स और RPVT 2018, RPVT 2018 ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल। तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल पर क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया और डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो गया है। अभी देखो इसमें यहाँ हम देखते हैं प्रोग्राम क्या क्या है। तो फर्स्ट है इसमें फिलिंग ऑफ ऑनलाइन चॉइस ऑफ कॉलेज एंड सीट टाइप। तो इसमें आपको ऑनलाइन चॉइस फिल करनी है और सीट फिल के लिए ऑप्शन भरना है। तो इसकी डेट है 16 अगस्त से शुरू है ये और 24 अगस्त को लास्ट डेट है इसकी। इसके बाद में पॉइंट नंबर दो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी इसमें मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी इसमें। और जो PH यानी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको वहाँ रिपोर्ट करनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए प्रेजेंट होना है 28 अगस्त को, यानी 28 अगस्त को उनको वहाँ प्रेजेंट होना है सुबह 9 बजे, जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है। और बाकी कैंडिडेट्स की काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड की। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड राउंड डिस्प्ले सीट अलॉटमेंट लिस्ट। जो सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट की जो डिस्प्ले होगा वो होगा 31 अगस्त को, 31 अगस्त को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट का डिस्प्ले होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है रिपोर्टिंग बाई सीट अलॉटेड कैंडिडेट फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो गई है उनको प्रेजेंट होना है 4 नवंबर को, 4 नवंबर को सुबह 9 बजे वहाँ प्रेजेंट होना है। और प्रेजेंट की साइट आपको दे रखी है, ये बीकानेर में प्रेजेंट होना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड राउंड डिस्प्ले सीट अलॉटमेंट लिस्ट। थर्ड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो डिस्प्ले होगा 7 नवंबर को, 7 नवंबर को थर्ड राउंड का सीट डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग बाई, जो 7 नवंबर को जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हो जाएगी उनको रिपोर्ट करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए और सीट ऑक्यूपाई के लिए 11 नवंबर को, 11 नवंबर को 9 बजे रिपोर्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ राउंड डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि फोर्थ राउंड का जो सीट डिस्प्ले होगा वो 14 सितंबर को होगा। आप 14 सितंबर को
सीट डिस्प्ले देख सकते हैं अलोटेड कैंडिडेट्स को। इसके बाद उनको रिपोर्ट करनी है फोर्थ राउंड वाले को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए 18 नवंबर को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करनी है। उसके बाद में आगे पॉइंट में लिखा है कि फिफ्थ राउंड अगर आवश्यकता हुई तो करना पड़ेगा, फिफ्थ राउंड सीट अलॉटमेंट का, तो इसके लिए आपको वेबसाइट से टच रहना पड़ेगा इसके लिए। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए और अलॉटेड सीट के लिए और जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको रिपोर्ट करना है बीकानेर में, और ये रिपोर्ट करना है ऑफिस ऑफ दी RPVT 2018 डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर। यहीं ये काउंसलिंग ऑफिस है RPVT का, और जिनको सीट अलॉट हो जाती है इन राउंडों में या फिर जो फर्स्ट राउंड में फिजिकल हैंडीक्राफ्ट को रिपोर्ट करनी है तो वो इस जगह बीकानेर में रिपोर्ट करेंगे। तो ये तो था शेड्यूल। अब हम चर्चा करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो फिर एक बार बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन RPVT काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक किया है, यहाँ एक रजिस्टर्ड यूज़र लिखा हुआ है, यूज़र ID, पासवर्ड और सेलेक्ट डिग्री कोर्स PVSC RPVT लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है। तो आपने यूज़र ID और पासवर्ड वही देना है जब आपने इसका RPVT का फॉर्म फिल किया था। जब आपका RPVT का ऑनलाइन फॉर्म फिल हुआ था, आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिले थे, वो ही आपने यहाँ इंटर करना है। जैसे ही आपने यूज़र ID और पासवर्ड इंटर कर दिया, आगे देखो आपको इस प्रकार का स्क्रीन खुलेगा। यूज़र ID पासवर्ड जैसे ही आपने इंटर किया है, आपको इस प्रकार का स्क्रीन खुलेगा। यहाँ पर आपने यूज़र ID पासवर्ड क्लिक किया है, और इसके बाद में देखो यहाँ लिखा हुआ होगा प्रिंट एप्लीकेशन डिटेल, आपने पहले प्रिंट कर रखा है, चालान फॉर काउंसलिंग का मतलब है सबसे पहले आपको एक चालान जनरेट करना पड़ेगा। जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद चालान फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे। चालान फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करते ही एक ICICI बैंक का, जो आप यहां देख रहे हैं, 550 रुपये का चालान जनरेट होगा, 550 रुपये का चालान जनरेट होगा। तो यहां लिखा है चालान फॉर काउंसलिंग, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चालान फॉर काउंसलिंग पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, इसमें जो आपने चालान जमा करवाया है उस चालान की डिटेल भरनी है, कौन से बैंक में आपने जमा करवाया है, चालान डेट क्या है, बैंक नेम क्या है, ब्रांच नेम क्या है और ब्रांच कोड क्या है। यह करने के बाद आगे फॉर्म खुल जाता है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद में इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा है कॉलेज वाइज सीट वाइज फीस डिटेल्स क्लिक हेयर। आप यहाँ क्लिक करके हर एक कॉलेज की फीस चेक कर सकते हैं। फीस चेक करने के बाद में ये पूरा फॉर्म भर दीजिए और चॉइस फिल कर दीजिए। इसमें कॉलेज नेम लिखे हुए हैं सारे,
आप फीस के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार, आपके मार्क्स कितने हैं, आपको कितना रेगुलर सीट में एडमिशन मिल सकता है या प्राइवेट सीट में आपको एडमिशन लेना है। इसमें भी दो प्रकार की सीटें हैं, रेगुलर सीट और पेमेंट सीट। तो आपने सीट तो इसमें सभी भर देनी है, यानी कि पेमेंट वाली सीट नहीं भरनी अगर आपको नहीं लेना है तो। नहीं तो आपका अगर आ जाएगा तो आपको वहाँ बीकानेर जाके उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो अगर आपको सीट लेनी है रेगुलर की, तो रेगुलर सीट ही भरिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को पेमेंट भी अगर रेगुलर में नहीं हो पाता है तो पेमेंट भी हो जाएगा, तो आप पेमेंट सीट भरिए उसको। तो इस प्रकार से आप यहाँ अपने इच्छा के मुताबिक सीट भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। मैं आपको फिर बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है साइट पर जाके। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद लॉगिन के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, उसके बाद में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में चालान पर क्लिक करना है, चालान जनरेट हो जाएगा। ICIC का 550 रुपये का चालान है, उसको आप बैंक में जमा करवाइए। उसमें बैंक में जमा करवाने के बाद में आप उसमें डिटेल भरिए कि आपने क्या चालान में जमा करवाया है, कौन सी डेट को करवाया है, कौन से बैंक में, ये डिटेल भरिए। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद आप आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पूरी कार्रवाई फिल कर सकते हैं, इसमें कॉलेज वाइज फीस भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिल का। अभी हम यहाँ देखते हैं सीट कितनी कितनी है, कौन कौन सी कॉलेज में सीट कितनी कितनी है। तो हम बैक चलते हैं और वापस देखते हैं सीट मैट्रिक्स। तो हम सीट मैट्रिक्स देखेंगे एक बार। यहाँ सीट मैट्रिक्स ऑफ RPVT 2018, जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें सीट मैट्रिक्स आ जाता है। सीट मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं यहाँ दो टाइप की सीट हैं, एक है रेगुलर सीट और दूसरी है पेमेंट सीट्स। तो रेगुलर सीट में CVAS बीकानेर में अनरिजर्व्ड बॉय की 11 सीट है, गर्ल्स की 3 सीट है, OBC की 4 सीट है और गर्ल्स की 2 सीट है। इसके बाद में SC कैटेगरी में रेगुलर की बॉयज़ की 4 सीट है, गर्ल्स की 1 सीट है, ST में एक एक सीट है, STA में एक सीट है। टोटल इसमें रेगुलर की 28 सीट्स हैं CVAS बीकानेर में। टोटल हैं रेगुलर की 28 सीट्स। इसके बाद में हम पेमेंट सीट देखते हैं इसी कॉलेज में। तो अनरिजर्व्ड बॉयज़ की 15 सीट हैं, गर्ल्स की 5 सीट हैं, OBC बॉयज़ की 7 सीट हैं, गर्ल्स की 2 सीट हैं। MBC पेमेंट की कोई सीट नहीं है, SC की 5 सीट हैं और गर्ल्स की 1 सीट है, ST की 2 सीट बॉयज़ की हैं, 1 सीट गर्ल्स की है, STA की एक एक सीट है बॉयज़ और गर्ल्स की। टोटल 40 सीट हैं पेमेंट की CAVS में, और टोटल हो गई पेमेंट और रेगुलर मिला के 68 सीट्स। यानी इस कॉलेज में 68 सीट्स हैं टोटल मिला के। इसके बाद में CVS उदयपुर में, उदयपुर में देखते हैं हम, अनरिजर्व्ड बॉय की 15 सीट हैं, गर्ल्स की 5 सीट हैं, 6 सीट OBC बॉयज़ की हैं, 2 सीट OBC गर्ल्स की हैं और MBC की एक सीट है यहाँ पर बॉयज़ की। इसके बाद में SC की 4 सीट रेगुलर हैं उदयपुर में, 2 सीट हैं गर्ल्स की, ST की 2 सीट बॉयज़ की हैं और STA की 2 सीट बॉयज़ की हैं, एक सीट गर्ल्स की है। इस प्रकार से 40 यानी 40 सीट हैं उदयपुर में रेगुलर सीट पर। अब देखते हैं हम उदयपुर में पेमेंट सीट पर। तो उदयपुर में पेमेंट सीट पर 16 सीट अनरिजर्व बॉय की हैं, 5 सीट गर्ल्स की हैं, 6 सीट बॉयज़ की OBC की हैं, गर्ल्स की 2 हैं,
एससी की चार हैं और गर्ल्स की एससी की दो हैं, एसटी की बॉयज की दो हैं। एसटीए बॉयज की दो सीट हैं और एसटीए गर्ल्स की एक सीट है, टोटल 46 सॉरी 40 सीट हैं। यानी कि इसमें रेगुलर सीट की भी 40 सीट हैं और पेमेंट सीट भी 40 हैं, टोटल 80 सीट हैं। तो इन दोनों तीसरी कॉलेज देखते हैं हम, PGIVER जयपुर, उसमें रेगुलर सीट हैं 15 बॉयज़ की हैं, अनरिजर्व्ड 5 गर्ल्स की हैं, ओबीसी की 7 बॉयज़ की हैं, 2 गर्ल्स की हैं। इसके बाद में एससी की 5 सीट हैं, बॉयज़ की एक सीट, गर्ल्स की है। इसके बाद एसटी की 2 सीट हैं, गर्ल्स की एक सीट है, एसटीए की एक एक सीट है, टोटल 40 सीट हैं इसमें भी रेगुलर सीट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो पेमेंट सीट हैं वो 14 सीट हैं, बॉयज़ की अनरिजर्व 5, गर्ल्स की हैं, ओबीसी की 6 हैं, 2 हैं गर्ल्स ओबीसी, एक है एमबीसी की एक सीट है बॉयज़ की इसमें। इसके बाद में एससी की 5 सीट हैं, 2 सीट एससी गर्ल्स की हैं, एसटी की 2 बॉयज़ और एक गर्ल्स की है, एसटीए की 2 सीट हैं इसमें। इसके बाद में टोटल 40 सीट हैं पेमेंट की। इस प्रकार इस कॉलेज में भी टोटल 80 सीट हैं। तो तीनों गवर्नमेंट कॉलेज में हम जब देखते हैं तो 228 सीट हैं टोटल, टोटल हैं 228 सीट। इसके बाद में प्राइवेट कॉलेजेज में देखते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेज में सबसे पहले AVC अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर है, उसके अंदर टोटल सीट हैं इसमें अनरिजर्व की 11 सीट हैं। इसके बाद में गर्ल्स की 3 सीट हैं इसमें, ओबीसी की 4 सीट हैं, ओबीसी गर्ल्स की 2 सीट हैं। इसके बाद में एससी की 4 सीट हैं बॉयज़ की, गर्ल्स की 1 सीट है, एसटी बॉयज़ की एक एक सीट है। इस प्रकार इसमें टोटल 28 सीट्स हैं, 28 सीट्स हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कॉलेज है MUFVCAVS चोमू, इसमें भी टोटल 28 सीट हैं और सीट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले वाले कॉलेज की तरह ही है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलेज है ACVM जयपुर, ACVM जयपुर, ACVM जयपुर में टोटल सीट पेमेंट सीट हैं वो 40 सीट हैं। तो इस प्रकार से ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में रेगुलर और पेमेंट सीट को मिला के 228 सीट हैं और प्राइवेट कॉलेजों में 96 सीट हैं पेमेंट सीट। तो आइए अभी हम देखते हैं इनकी फीस क्या क्या है। तो एक बार फिर से स्क्रीन पर जाते हैं और यहाँ हम टाइप कर देते हैं फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ मैं कर देता हूँ फी स्ट्रक्चर। देखो मैंने यहाँ पहले टाइप कर रखा था तो यहाँ आ गया फी स्ट्रक्चर। इस पे क्लिक करूँगा फी स्ट्रक्चर पर, तो ये फी स्ट्रक्चर फॉर UG PG एंड PhD लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा फीस स्ट्रक्चर पर, जैसे ही क्लिक करूँगा ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर देखो
जैसे ही फी स्ट्रक्चर पर क्लिक किया है, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, जैसे ही फी स्ट्रक्चर पर क्लिक किया है, ये देखो फीस आ गई है इसमें। लिखा है दी फॉलोइंग विल बी दीज फीस स्ट्रक्चर स्टूडेंट एडमिटेड इन करंट, तो ये 18-19 का फीस है। तो इसमें दोनों प्रकार की फीस ही है, एक है रेगुलर की और दूसरी है पेमेंट की। तो सबसे पहले हम रेगुलर की देखते हैं, तो रेगुलर की है 15,740। रेगुलर की जो फीस है वो 15,740 है। इसके बाद में जो पेमेंट की और सेल्फ फाइनेंस सीट है, जो जैसे प्राइवेट कॉलेजों में सीट है और गवर्नमेंट कॉलेज में जो पेमेंट सीट है, उनका 2 लाख रुपए ट्यूस, ये अलग से है प्रोफेशनल फीस। तो टोटल 2,15,740 रुपये फीस है इसकी पेमेंट सीट के लिए, और रेगुलर सीट के लिए 15,740 है। तो अभी इसमें देखते हैं हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में रेगुलर फीस का सबसे पहले इसमें दिया है रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये है, ट्यूशन फीस 10,000 रुपये है, और 1,500 रुपये लेबोरेटरी फीस है। तो टोटल 11,700 रुपये तो ये फीस है, 11,700 रुपये। उसके बाद में है नेक्स्ट, देखो हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर फुली ट्रांसफरेबल टू यूनिवर्सिटी फंड। अभी हॉस्टल फीस क्या क्या है ये देखते हैं हम। हॉस्टल एडमिशन 150 रुपया है। उसके बाद में रूम रेंट 1,800, 1,200 और 900 सीट के अनुसार है। सिंगल का 1,800 रुपये है, डबल का 1,200 रुपये है, और ट्रिपल सीटेड रूम का 900 रुपये है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेज है 1,500 रुपये, वाटर चार्जेज 240 रुपये, और 800 रुपये है डेजर्ट कूलर चार्जेज जो स्टूडेंट रखना चाहते हैं। उसके बाद में कॉलेज फंड, कॉलेज फंड में जनरल फीस पर एनम, गेम फीस 300 रुपये, स्टूडेंट एड फंड 300 रुपये, डेवलपमेंट फीस 600 रुपये, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये, कंप्यूटर फीस 400 रुपये, ओपन एक्सेस सिस्टम 40 रुपये, लाइब्रेरी में रीडिंग रूम फीस 100 रुपये, स्टूडेंट एसोसिएशन फीस 150 रुपये, और आइडेंटिटी कार्ड के लिए जो फीस लगती है वो 50 रुपये न्यू स्टूडेंट के लिए, और इन्फॉर्मेशन बुलेट जो हर उसमें निकलती है टाइम टू टाइम, टाइम के एडमिशन एडमिशन के टाइम में वो 200 रुपये है। कॉलेज मैगजीन 150 रुपये है इसमें न्यू स्टूडेंट के लिए। बुक बैंक सिक्योरिटी 1,000 रुपये है, एडमिशन के टाइम में है एक ही टाइम। काशन मनी 650 रुपये है, वो भी एक ही टाइम है एडमिशन के टाइम में। तो ये टोटल हो गया 4,040 रुपये। तो ये इसके बाद में हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर, हॉस्टल फीस जो पर सेमेस्टर है वो हॉस्टल इम्प्रूवमेंट 600 रुपये, हॉस्टल एम्पलीटी पर सेमेस्टर 100 रुपये है, फर्नीचर 100 रुपये है, कॉमन रूम 300 रुपये है। इस प्रकार से वार्ड एंड वार्ड 450 रुपये, मेस एडवांस 2,000 रुपये, हॉस्टल काशन मनी 1,000 रुपये है। तो इस प्रकार से ये पूरा फीस का डिस्ट्रीब्यूशन है हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी राजस्थान वेटनरी काउंसलिंग 2018 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप इसके इच्छुक हैं तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, बैंक में चालान जमा करवा दीजिए और चॉइस फिलिंग कर दीजिए। इसके बाद जो नई नई अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा, और लास्ट में आपसे ये कि एक गुजारिश ज़रूर करूंगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपको नई अपडेट्स मिलती रहेंगी और आने वाले समय में मैं नई नई अपडेट्स डालता रहूंगा। धन्यवाद।